में मैं यहां तक कैसे आया? मैंने अपने पूरे परिवार की हरिद्वार जाने की टिकट कैंसिल करवा के इस कार्यक्रम के यहाँ भरी है, और आप लोग ऐसे खड़े और बैठ रहे हो, चाह रहे हो, ऐसे नहीं चलता जी। और सीढ़ियों पर आप लोग नहीं बैठोगे, सामने बैठो ना, लटक क्यों रहे हो? भगवान ने लटकने के लिए थोड़ी जमाना थोड़ी दिया, लटकने के लिए जीवन थोड़ी दिया। क्या बात, कौन है वो, कौन है वो, कहां से वो आया? कौन है वो, कौन है वो, कहां से वो आया? चारों दिशाओं में है तेज सा वो छाया, उसकी भुजाएं बदले कहां। मंच के आगे आप लोग खड़े हो तो पीछे जो मंच को उनको मैं नहीं दिखाई दे रहा हूँ, बस ये प्रॉब्लम और कोई। अजय जी इनको पीछे कर दो ना थोड़ा, सर आप ही पीछे बैठ के लिखे। पीछे आ जाए, पीछे आके लिखे। ताली बजाओ एक बार, थोड़ा सा माहौल बनाओ। बोले शिव शंकर भोलेनाथ की। कौन है वो, कौन है वो, कहां से वो आया? चारों दिशाओं में है तेज सब छाया, उसकी भुजाए भागीरथ तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा देवत आया। भागीरथ तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा देवत माया। किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतिष्ठणम धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधु रस त्रिगंत संपति प्रमोद मान मानाक्ष धोरणी द्रौपदी पचितिगंबरे मनो विनोद वस्तु। आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि मैं क्या गा रहा हूँ? बताओ क्या गा रहा हूं? बाहुबली नहीं, क्या गा रहा हूं? इधर वाले ये भी तो मोहल्ला कभी बोल दो, पीछे वाला शिव तांडव स्तोत्र गा रहा हूं, और इसका अर्थ मैं आपको बता देता हूं। युवा लोगों के निवेदन करता हूं कि इसका अर्थ क्या हुआ। ये भोलेनाथ की आराधना है, और ये आराधना किसने की? ये आराधना की रावण ने। इस पूरी दुनिया में भोलेनाथ की ही माया है, माया पूरी भोलेनाथ की है। और रावण भोलेनाथ का बड़ा भक्त था, वो एक दिन लंका से कैलाश चला, भोलेनाथ समाधि में बैठा है, रावण सामने जा खड़ो हो गयो, तो रावण को लगा दिया वहां खुलेगी, अब आंख खुलेगी, आंख खुलेगी, ऐसा करके एक दो चार दस दिन बीत गया। भोलेनाथ समाधि में मगन हा, करता करता महीना चार महीना बीत गया, पर भोलेनाथ की समाधि खुली नहीं। मित्रों साल बीत गया, दो पांच दस पंद्रह बारह साल बीत गए, रावण यूं का यूं खड़ा रहा और भोलेनाथ समाधि में लीन रहे। साल जब खड़ा रहा तो रावण को अंदर से अहंकार हुआ,
कि मैं भी कोई कम माया थोड़ी हूं, लंकपति हूं, 12 साल से खड़ा हूं भोलेनाथ को, इतनी भी खबर नहीं कि सामने कोई भगत खड़ा है। रावण को अंदर से क्रोध आया और क्रोध बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया मित्रों कि जिस शिला पर भोलेनाथ बैठे थे, जिस आसन पर, जिस पत्थर पर भोलेनाथ बैठे थे, रावण ने उसी पत्थर को अपने हाथों से उठाने की कोशिश की। पत्थर के हिलते ही भोलेनाथ की समाधि टूट गई, समाधि खुलते ही भोलेनाथ के मन में प्रश्न आया कि इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है जो मेरे आसन को हिला सकता है, जो मेरी शिला को हिला सकता है, ऐसा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, ये है तो कोई ना कोई असाधारण व्यक्ति। भोलेनाथ ने आंखें खोल के देखा तो सामने रावण खड़ा। सावन रावण को जब देखा कि वो पत्थर को हिला रहा है, शिव शंकर भोलेनाथ ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे को थोड़ा सा दबाया, अंगूठे को थोड़ा सा खुश किया तो रावण नीचे दबना शुरू हो गया। दबते दबते वो शिला एकदम जमीन पर जब टिकने लगी, रावण उसके नीचे दब गया। रावण को लगा कि अब मेरी मृत्यु करीब है, यदि भोलेनाथ ने एक पल की भी देरी की तो मुझे मरना तय है। इस दुनिया में मित्रों इंसान को मरने का भय होता है और रावण को लगा कि जब मेरी मृत्यु करीब है तो रावण ने अंतर मन से भोलेनाथ को याद किया, बोले हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो। और उस समय रावण के मुंह से जो भी निकला, मतलब उस डर में और उस माहौल में जो भी उसके मुंह से निकला वो बोलता गया, लेकिन वो विद्वान था इसलिए उसके बोले गए शब्द एक श्लोक में परिवर्तन होते गए। वो अब आप देखना कि इसमें वो जो बोलता गया वो श्लोक बन गए किस प्रकार से। धगत 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 ललललाट पट पावते किशोर चंद्र शेखर का मतलब ये हुआ कि जिनके जिनके ललाट से धड़क 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 कर ज्वालाएं प्रकट हो रही है, जिनके माथे से गंगा जी निकल रही, जिनके गले को रुंड मालों ने सजा रखा है, जो निर्वाण रूप है, जो मृगशाला पहने हुए है, कैलाश पर्वत पर आसीन है, ऐसे शिव मेरा कल्याण करे। आगे कहा धराधर इंद्र नंदिनी, धराधर इंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधु रस सुगंध त्रिगंध संपति प्रमोदमान। कृपा कटाक्ष धोरणी निरोक्त तुल द्रौपदी को चित्त गंपते जो पार्वती की सुंदरता पर मोहित होकर प्रसन्न मुद्रा में हर समय पार्वती की सुंदरता में मोहित रहते हैं, धरा धरेन्द्र नंदिनी जो नंदी पर सवार है, धरा धरेन्द्र नंदु बंधु रस सुदत त्रिगंत संतति प्रमोद मान। ऐसे शिव मुझ पर कृपा करे, कृपा कटाक्ष धोरणी द्रौपदी मनो विनोद में तो वस्तु जटा भुजंग पिंगल स्फुरत प्रणामणि। यानी जिनकी जटाओं में नाग खेलते हैं, जिनके गलों गले को सर्पों ने सजा रखा है, जिनके माथे पर मणिधारी सांप सर्प देवता छत्र छाव किए रहते हैं, जिनकी भुजाओं में रुद्राक्ष की मालाएं पहनी है, जो जगत का कल्याण करते हैं, ऐसे शिव मेरा भी कल्याण करे। और आपका भी कल्याण चाहते हो तो हाथों को उठा दो भोलेनाथ के चरणों में।
यथा भुजंग पिंगल स्फुरत पणामणि द्रव कदम्ब कुमकुम द्रव प्रलिप्त विद्युतधूम को इतना ही तो बोलना, कहां से आया है? उसमें भी क्या क्या कंजूसी करते हो यार, पेट्रोल महंगा हो गया है, हमारे कोई बोल महंगे थोड़ी हुए। कौन है वो, कौन है वो, कौन है वो, कौन